अच्छा अब देखिएगा जी, अब हम बात करने लगे हैं जी फंक्शन टर्मिनेशन पे। फंक्शन टर्मिनेट कैसे होता है? अच्छा बुनियादी तौर पे जरा देखें, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाए जी अपने साथ। पहली बात तो ये है, अगर कोई फंक्शन उसमें एरर कोई नहीं है और वो इस लास्ट मतलब जो हमारे पास राइट ट्रेस है यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इट्स मीन वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक हो गया, पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये एक रिटर्न का कीवर्ड है। ये रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है, ये भी उसको फंक्शन को रिटर्न करवा देता है या टर्मिनेट करवा देता है। अच्छा जरा देखते हैं, मैं जरा इस सारे को भी जरा थोड़ा कमेंट कर दूं ताकि मेरे पास कुछ स्पेस स्पेस बन सके और हम थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सके इस चीज। अब जरा देखिए, मैंने सारे को कमेंट कर दिया, मैं एक नया फंक्शन बनाने लगा। अच्छा ये फंक्शन मैंने कहा जी वाइल्ड टाइप का होगा, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट लेंगे दो वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल क्या होंगे जी, इंट ए इंट बी, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। ठीक हो गया जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको यहाँ ही मैं सी आउट करवा देता हूँ, क्योंकि ये वाइल्ड टाइप का है, इसमें मैं रिटर्न यानी कि रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करवा सकता। वैसे यहाँ पे रिटर्न हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिटर्न होगा, पर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। वाइल्ड का फंक्शन हमेशा वैसे ही रिटर्न कर जाता है और कुछ भी वो मतलब वैल्यू नहीं दे के जाता। तो मैं यहाँ पे सी आउट करवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक हो गया, इसको मैं कंट्रोल सेव किया। अब देखें, हमें ये पता है कि प्रोडक्ट में अगर ए जीरो हो या बी जीरो हो, इन दोनों में से अगर कोई भी जीरो होगा तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैंने एक कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि जी मैं कह रहा हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, प्रोपरेटर लगा रहा हूँ इसके साथ और का, या बी इक्वल टू जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो होता है या बी इक्वल टू जीरो होता है, तो आप ये करो कि यहाँ पे सिंपली सी आउट करवा दो, द प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से रिटर्न कर जाओ, यानी अगली अब लाइनें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, अब मैं दोनों तरीके से आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं इसको मेन में जाके मैंने यहाँ पे कॉल किया इंट मेन। मेन में जाके मैं इस प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी 2 और 4। मैंने कहा जी इसका जो प्रोडक्ट है हमें प्रोड्यूस करवा दो। ठीक है, अब जरा देखेंगे हमारा कंट्रोल सी आउट के पास आता है या नहीं आता। मतलब अगर हमारे पास आंसर 8 आ जाता है, तो इसका मतलब ये सी आउट के पास आया और सी आउट के बाद इस वाली ब्रेस के पास आया और इस ब्रेस के बाद ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली मतलब रन हो चुका है। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें जी, हमारे पास 8 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब फर्ज करें मैं यहाँ पे बी की बजाय 0 कर देता हूँ। अब देखें, अब अगर हमारा प्रोग्राम ठीक काम करेगा तो होगा क्या, कि वो यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, इफ ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन उसको मिलेगी नहीं फॉल्स है। फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, क्या बी इज इक्वल टू 0, हाँ यहाँ पे उसको मिलेगा। अब वो ये लाइन प्रिंट करेगा और इस लाइन के बाद यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, वो इस लाइन के पास नहीं आएगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी के पास नहीं आएगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन किया तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए कुछ भी नहीं आया, वो सिंपली वहां से रिटर्न कर गया। अब रिटर्न से पहले जो लाइन हमारे पास इफ के अंदर है, तो वो आपको दिखा दूँ, वो कह रहा है द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक हो गया जी। यानी ये दो तरीके हैं जी हमारे पास प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के।